हेलो पेरेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो पेरेंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेवन मंथ बेबी का डेली रूटीन और फूड चार्ट ये हम एप्लीकेबल कर सकते हैं सेवन टू एट मंथ बेबीज़ पर और इसे स्टार्ट करने से पहले हमें फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिमेंबर रखनी है सेवन टू एट मंथ बेबीज़ के लिए तो सबसे पहला पॉइंट है जब भी हम बेबी को एक न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हमें कंटिन्यू रखना है टू टू थ्री डेज के लिए टू तो चेक कि बेबी को किसी भी फूड से एलर्जी ना हो इसे हम फॉलो कर सकते हैं थ्री डे वेट रूल के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों के खाने में शुगर और सॉल्ट ऐड नहीं करना बिफोर द एज ऑफ वन ईयर एक साल से पहले हमें बच्चों को शुगर और सॉल्ट नहीं देना ये बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए एक साल से छोटे बच्चों के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि सभी बच्चे डिफरेंट हैं और उनके फूड रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं तो हमें कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना खाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चों को स्मॉल क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना है फ़ूड खिलाना थोड़ा थोड़ा करके हम स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे हमें फोकस करना है क्वालिटी पर रादर देन क्वान्टिटी और मैंने आपको पहले भी बताया है सभी बच्चे डिफरेंट हैं तो हमें कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना किसी भी डाइट चार्ट को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए आप उसे अपने बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों को दिन में दो बार आयरन रिच फूड्स खिलाना है और बच्चों को खाना खिलाने के टाइम हमें पहले खाने को ख़ुद टेस्ट करना है और चेक करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके बेबी को गैस प्रॉब्लम है कॉलिक है तो आप उसके फूड आइटम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एसफेटिडा पाउडर मतलब हींग ऐड कर सकते हैं पिंच ऑफ हींग पाउडर और अगर मिल्क प्रोडक्ट है मिल्क फूड आइटम है तो आप उसमें कार्डिमम पाउडर मतलब छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फ़ूड रिक्वायरमेंट फ़ूड रिक्वायरमेंट में हम बच्चों को मिल्क थ्री टू फोर टाइम्स अ डे दे सकते हैं स्नैक्स टू टाइम्स अ डे और प्रॉपर मील थ्री टाइम्स अ डे ये हम सेवन टू एट मंथ बेबीज़ के लिए एप्लीकेबल करेंगे और अब मैं स्टार्ट करती हूँ डेली रूटीन डेली रूटीन में हम वेकअप टाइम बच्चों का सेवन थर्टी टू एट ए एम के बीच में रखेंगे और जैसे ही बच्चे उठते हैं हम उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ऑफर करेंगे फिर मिल्क पीने के 30 टू 40 मिनट्स के बाद हम बच्चों को बात करा सकते हैं नहला सकते हैं और फिर इसके बाद होगा ब्रेकफास्ट टाइम जो 9 ए एम टू नाइन थर्टी एम के बीच में हम रखेंगे और हम ब्रेकफास्ट टाइम में बच्चों को थोड़ा सा वाटर खाने से पहले थोड़ा सा पानी पिलाएंगे लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि पानी से ही उनका पेट ना भर जाए तो हम थोड़ी क्वांटिटी में उन्हें पानी देंगे तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ब्रेकफास्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट पॉरेच मतलब आटे का शीरा सेकेंड है रागी पॉरेच थर्ड है सूजी की खीर फोर्थ है ओट्स आलमंड पॉरेच फिफ्थ है ओट्स बनाना पॉरेच एंड सिक्स्थ ऑप्शन है सूजी का उपमा मतलब रवा उपमा और हम ट्राई करेंगे बच्चों को सीरियल्स ब्रेकफास्ट में ही खिलाने का टू स्टार्ट अ हेल्दी डे और ब्रेकफास्ट टाइम के बाद हम बच्चों को थोड़ा टाइम खेलने देंगे एंड उसके बाद हम बेबीज़ की मसाज करेंगे बेबीज़ के लिए मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू रिलैक्स देम और बेनिफिट्स ऑफ मसाज आप सबको पता ही है जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि मसाज करने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है बच्चों का बच्चों की बॉडी को आराम मिलता है बच्चों को अच्छी नींद आती है मसाज के बाद और अगर आपके बेबी को कॉलिक है तो कॉलिक से भी रिलीफ मिलेगा मसाज से और अब बेबीज़ की मसाज हो चुकी है तो थोड़ी देर वो स्मॉल नैप ले सकते हैं और अब बेबीज जो नाप लेकर उठेंगे इसके बाद हम उन्हें स्नैक्स ऑफर करेंगे स्नैक्स टाइम होगा 11:30 थर्टी टू ट्वेल्व पी के बीच में और हम स्नैक्स में बच्चों को या तो फ्रूट प्योरी ऑफर करेंगे या फिर वेजिटेबल प्योरी फ्रूट प्योरी के ऑप्शन हैं एप्पल प्योरी बनाना प्योरी पियर प्योरी पपाया प्योरी एंड एवोकेडो प्योरी एंड मॉर्निंग टाइम में अगर हम फ्रूट प्योरी एज ए स्नैक्स दे रहे हैं तो इवनिंग स्नैक्स ऑप्शन में हम वेजिटेबल प्योरी देंगे बच्चों को जिसमें ऑप्शनस हैं कैरेट प्योरी पम्पकिन प्योरी पटेटो प्योरी स्वीट पटेटो प्योरी और बॉटल गॉड प्योरी और अब इसके बाद होगा लंच टाइम जिसका टाइम होगा 1:30 थर्टी टू टू पी के बीच में और लंच करने से भी 15 मिनट्स पहले हमें बच्चों को पानी देना है लेकिन ध्यान रखना है कि उनका पेट पानी से ही ना भर जाए और अब लंच ऑप्शंस हैं लंच ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे कि हम बच्चों को राइस बेस्ड मतलब चावल बेस्ड ही खिलाएँ लेकिन उसके अलावा भी एक दो ऑप्शन हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहला ऑप्शन है मूंग दाल खिचड़ी ये राइस बेस्ड है सेकंड है रवा खिचड़ी वेजिटेबल दलिया नेक्स्ट तीन ऑप्शन राइस बेस्ड ही हैं जिसमें राइस पटेटो पॉरेज कैरेट पटेटो राइस एंड स्वीट पटेटो राइस और अब लंच टाइम के बाद भी बच्चे थोड़ा नैप ले लेते हैं या कुछ बच्चे प्ले करते हैं और इसके बाद फिर होगा मिल्क टाइम जो होगा 5 पी एम टू फाइव थर्टी के बीच में और इसके बाद हम बच्चों को इवनिंग स्नैक्स ऑफर करेंगे जो हम 6:30 थर्टी टू सेवन पी के बीच में करेंगे उसमें स्नैक्स ऑप्शन है वेजिटेबल प्योरी और फ्रूट प्योरी अगर आप फ्रूट प्योरी मॉर्निंग में दे चुके हैं तो इवनिंग स्नैक्स में आप वेजिटेबल प्योरी दे सकते हैं और फाइसो वर्सा और अब होगा डिनर टाइम 8 पी एम टू एट थर्टी के बीच में और हमें ट्राई करना है बच्चों को लाइट फूड ही दें हम डिनर टाइम में टू अवॉइड एनी इन डाइजेशन रात के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को डाइजेस्ट करने में हैवी फूड तो हम उन्हें थोड़ा लाइट फूड ही खिलाएंगे डिनर में डिनर हम लाइट ही रख रहे हैं तो इसके ऑप्शंस कम ही हैं जैसे कि हम वेजिटेबल और प्लेन दलिया खिला सकते हैं बच्चों को या फिर सबसे बेस्ट है दाल विद क्रश चपाती चपाती को हम क्रश करके उसे दाल में मिक्स करके बच्चों को खिला सकते हैं ये बेस्ट डिनर ऑप्शन है और डिनर के अराउंड एक घंटे के बाद हम बेबी को फिर से मसाज करेंगे सोने से पहले मसाज उन्हें हेल्प करेगा अच्छी नींद सोने के लिए और बॉडी भी रिलैक्स होती है बच्चों की मसाज से और अब हो जाएगा बच्चों का गुड नाइट टाइम और सोने से पहले भी बच्चे दूध पीते हैं तो आप ट्राई करें उन्हें फार्मूला मिल्क दें ताकि वो ज़्यादा अच्छी नींद ज़्यादा देर के लिए सो पाएँ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके आने वाली लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें हैव अ नाइस डे